हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अभिषेक इन्फोकोश और मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है एआई, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओपन एआई। देखिए, चैट जीपीटी के बारे में तो बहुत लोग को पता ही है कि वो क्या है। एक आप उस पर बात करते हो, उससे आप स्क्रिप्ट लिखा लो, बुक लिखा लो, कोई फोटो बनवा लो, कोई वीडियो बनवा लो, लैंग्वेज चेंज कर लो। एआई बहुत सी चीज़ों में कैपेबल है, आपको पता है। एआई बहुत से ऐप्स में इंटीग्रेटेड है, मतलब पर्टिकुलर, जैसे फोटो एडिटर तो एआई फोटो एडिटर, या वॉइस चेंजर तो एआई वॉइस चेंजर। तो ऐसे करके एआई इंटीग्रेटेड करके पर्टिकुलर एक ऐप के लिए बना दिया था। वैसे ही बिंग ने अब क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कीबोर्ड की स्विफ्ट, हम इसी के बारे में आज जानेंगे। आप उसे फ़ोन में कैसे डाउनलोड करें, कैसे यूज़ करें, ये बेसिकली जो लोग प्रोफेशनल ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, उनको मेल लिखना है, ग्रामर चेक करना है, कोई उनको पिक चाहिए तो उन्होंने तुरंत उस पर टाइप किया कि मेड मी अ पिक डैश डैश डैश, तो वो पिक तुरंत उसने कुछ सेकंड्स में बना दी। तो आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा, आपको कॉपीराइट का इशू नहीं हुआ। प्लस जो लोग उसे पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं, तो वो उनके तो कीबोर्ड में, कीबोर्ड तो आपकी सब जगह खुलता है, आपके व्हाट्सएप में खुलेगा, आपके गूगल में खुलेगा, कीबोर्ड तो आपके सब जगह खुलेगा। तो की स्विफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है, कीबोर्ड ऐप है, इसे कैसे फ़ोन में इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हम जानेंगे। तो बगैर समय को ख़राब किए, बर्बाद किए, हम चलते हैं मेरे फ़ोन की ओर और सीखते हैं कि है। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन में। चलते हैं प्ले स्टोर में और सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। स्विफ्ट की आपको सर्च 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 करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड। ये आ गया आपका सबसे पहले ही ऑप्शन में, वो ऊपर तो ऐड है। ये आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की एआई कीबोर्ड, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मात्र 10 MB का ऐप है ये, इसी में एआई इंटीग्रेटेड कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जिससे आपका कीबोर्ड तो आप हर जगह खोलते हो। इसको ऐसे ओपन कर लेना है। अब ये आपसे कह रहा है कि इनेबल करिए, मतलब अभी तक आपका डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फ़ोन में आपको कीबोर्ड मिला है वो गूगल का मिला है, सैमसंग के केस में वो सैमसंग का है। अभी आपको स्विफ्ट की को इनेबल करना है, तो ये यहीं ऑप्शन दे रहा है, कहीं नहीं जाना है। इनेबल पे क्लिक किया, ये देखिए स्विफ्ट की का ऑप्शन है, ऑन कर दिया, स्विफ्ट की ऑन हो गई है। सेलेक्ट स्विफ्ट की कह रहा है तो सेलेक्ट कर दिया, ट्राई ऑफ कीबोर्ड। नोटिफिकेशंस मुझे नहीं चाहिए होते हैं तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ये मेरा कीबोर्ड है। ओके, अब देखिए ये एआई है, एआई इंटीग्रेटेड है, मतलब एक तो आपने ये एक नॉर्मल आपने मैसेज टाइप किया, हेलो, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो ना। अब आप जॉब पे हो, आपका बॉस या आपका सीनियर आपको ऑर्डर करता है कि ईमेल कर दो, तो आप क्या करोगे, मेटा टाइप करोगे, है ना, परेशान होगे। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने नॉर्मल ये बिंग वाले आइकन पे ऐसे क्लिक किया। देखिए कंपोज का ऑप्शन है ना, कंपोज पे क्लिक किया और ये पूरा आपके सामने देखिए ये इंटरफेस आया है हमारे। राइट अबाउट, ये कह रहा है कि किस चीज़ के बारे में, ईमेल रिगार्डिंग जॉब, बहुत सिंपल। देखिए मैं इसको और स्पेसिफिक लिख सकता था, बट इसको भी ट्राई करते कि अगर बहुत टूटा फूटा लिख भी लिख रहे हैं तो ये देखिए इसमें ऑप्शन है, टोन कैजुअल, प्रोफेशनल, इंथ्यूएस्टिक, इंफॉर्मेशनल, फनी, फिर ईमेल, पैराग्राफ, आइडिया या ब्लॉग पोस्ट। अब देखिए इसमें कितने आपके पास फॉर्मेट हैं, तो मैंने प्रोफेशनल सेलेक्ट किया, फिर ईमेल पे मैंने सेलेक्ट किया। लेंथ आपको कितनी रखनी है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, तो मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ और मैंने जनरेट कर दिया। अब ये देखिए जनरेट करके दे देगा मुझे, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। पहले देखते हैं क्या क्या मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। ये देखिए, अब आपकी ग्रामर का इशू ख़त्म, आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स का इशू ख़त्म, आपको एक सेंस मिल गया। अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं भी यूज़ करना है तो आपको एक सेंस मिल गया कि कौन कौन से और बेटर, क्योंकि देखिए इंग्लिश में एक ही चीज़ के कई 5 शब्द भी होते हैं, तो कुछ कुछ आपको वर्ड्स जो होंगे वो आपको बेटर मिल जाएंगे, है ना। किड बोलें कि चाइल्ड बोलें कि चैम बोलें कि उसको क्या क्या बोल दें, है ना,
टॉडलर है, छोटा है, बड़ा है। अब देखिए आपको सब कुछ मिल गया, आपके पास पूरा है कि मैंने शॉर्ट का जबकि लेंथ मैंने सेलेक्ट करी थी तो ये इतने में आया है जो जेन्युइन है मेरे हिसाब से। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किया जा सकता है, सेलेक्ट ऑल, और मैंने इसे कॉपी कर लिया है ना। अब इसको बंद कर, अगर मुझे यही चीज़ ब्लॉग, एक ब्लॉग लिखना होता तो मैंने ब्लॉग पे सेलेक्ट किया, इसको मीडियम कर लेते हैं इस बार और फिर से जनरेट कर देते हैं वही सेम चीज़। अगर मुझे जॉब के रिगार्डिंग, ये कि ईमेल रिगार्डिंग जॉब है ना, बट ब्लॉग पे मैंने, ऊपर वाला मैंने नहीं एडिट किया, सिर्फ ब्लॉग मैंने यहीं से चेक या सेलेक्ट किया क्या हमको रिजल्ट क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। आप तो जितना जितना अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतना अच्छा आंसर मिलेगा। अब देखिए ये नहीं दे पाया है ना, तो ये ब्लॉग जो है इसमें खाली जॉब लिख देते हैं और इसको थोड़ा कैजुअल कर देते हैं या इंफॉर्मेशनल कर देते हैं, अभी भी ब्लॉग पोस्ट पे ये मीडियम पे फिर से जनरेट करते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है सर्च करते टाइम कि आप जो टर्म्स जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके कितने परफेक्ट हैं, क्या सर्च करना है, मतलब उसको भी तो आपको गाइड करना है ना कि आप एग्जैक्टली सर्च क्या कर रहे हैं, कुछ तो मतलब भर कर देना। देखिए मैंने सिर्फ उसे जॉब लिख के दिया है, ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक किया है, मीडियम सेलेक्ट किया है, ये अराउंड 2000 वर्ड्स के आसपास मुझे ये एक ब्लॉग लिख के दे रहा है। इसको बहुत से लोग डायरेक्ट भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें तो एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए आप क्या है। तो इसको अभी के लिए रोक देते हैं, तो जनरेट करता रहेगा। फिर अगर मुझे कुछ फ़नी करना हो, आइडिया मुझे चाहिए हो, फिर मैंने जनरेट किया, तो देखिए मुझे आइडियाज़ जनरेट करके देगा फ़नी वे में। जॉब वो भी इतना सीरियस टाइप का वर्ड है, लुकिंग फॉर अ जॉब, देखिए आपको कुछ अलग आपको रिस्पांस मिल रहा है, सेम वही चीज़ है, हर बार में अलग, हर बार में अलग। तो ये मेरे हिसाब से जो आज की डेट में नए बच्चे हैं या कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ कि ईमेल करना नहीं आता या लिखना नहीं आता या ग्रामर नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ अपना टाइम बचा सकते हो। अगर कोई अपने मन से भी कर रहा है और आप और उसके बराबर में कोई कट कॉपी पेस्ट कर रहा है तो ह्यूमन एरर देखिए होता ही होता है, 1% ग्रामर मिस्टेक होगा, डॉट इधर से उधर हो जाए बहुत, बट इसमें आपके बहुत हाई लेवल के चांसेस हैं कि ये एकदम नहीं आपको मिसमैच दे देगा, ये एक्यूरेट ही होगा कहीं ना कहीं। आप फिलहाल चेक करके ही प्रोफेशनल लेवल पे सारे काम करें। फिर हम इसको खोलते हैं, इसमें देखते हैं और मुझे क्या यूज़फुल लगा है। तो इसमें और बहुत कुछ, जैसे GIF है ना, आप GIF क्रिएट भी कर सकते हो। तो इसमें देखिए मुझसे मेरे तो अब देखिए हम लोग आते हैं, देखिए इसमें और भी बहुत से काम के ऑप्शन है। गिफ्ट खोल लेते हैं तो आपको स्माइली, अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स आपको मिल जाएंगे, स्टिकर्स, बट इसका एक बहुत खास ऑप्शन है क्रिएट। अब मैं यहाँ कहूँ कैट विद अ बॉल, ये देखिए मुझे अभी के अभी मुझे ये जनरेट करके दे देगा। तो पहले आप क्या करते थे, कोई भी स्टिकर या आपको इधर उधर से कुछ भी मिलता था तो वो सब आप अपने आपको बहुत एक फीचर दिखा के अपने आप को बड़ा प्रमोट करते थे, इवन एप्पल और सैमसंग तक ने ये सब काम किए हैं इमोजीज और स्टिकर में थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने आप को अलग से दिखाने के। अब देखिए इसने AI नहीं आपको यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है और पावर्ड बाय डाली, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि डाली इंटीग्रेशन आने वाला है, तो वो यही है। देखिए डाली 3 इंटीग्रेशन के हिसाब से आपकी ये इसने फोटोज जनरेट करी। तो ये आपका वो हो गया। फिर आप इसमें कई सारी चीज़ें आप इसमें कॉपी कर सकते हो, एक नहीं इस क्लिपबोर्ड में आप 10 तरीके की चीज़ें कॉपी कर सकते हो। तो पहले आपने कुछ एक चीज़ कॉपी करी होती थी, दूसरा कॉपी करने पे वो हट जाता था। फिर सबसे काम का चीज़ है ये ट्रांसलेटर, ये देखिए अभी क्या है, जैसे आप सबटाइटल एडिट कर रहे हो हिंदी में तो आप हिंदी में टाइप कैसे करोगे ना, इशू होता था ना इधर उधर से, अलग अलग होता है बेड, तो देखिए बिस्तर लिख के आ गया ना, कितना एक्यूरेट है। इसमें लैंग्वेजेस के बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखिए भरे पड़े हैं, लगभग मुझे लगता है सारी ही ज़रूरी लैंग्वेज सारी हैं।
ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल ट्रांसलेट ये वो आपको सब यहीं मिल गया। फिर आप वॉइस टू टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास कई तरीके के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ऑटो करेक्ट मोड्स, कई तरीके के मोड्स हैं, जैसे वन हैंड फ्लोटिंग, कहीं पे भी आप कीबोर्ड हटा सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो, जैसे ये देखिए। और थंब, सिर्फ अगर आप एक थंब से आप टाइप करते हो तो कैसे टाइप हो पा रहा है, ये वापस आ गया। और मुझे इसका बहुत यूज़फुल फीचर अच्छा लगा, लेआउट्स। ये लेआउट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत काम के हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड टाइप करते हैं, उनको किसी थर्ड पार्टी कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, और अलग अलग। अब वो सब हेडेक ही ख़त्म हो गई, आपको सब कुछ यहीं मिल गया। आप थीम्स चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे थीम्स हैं इसमें। आपने बस देखिए एक क्लिक किया, आपका थीम चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होने पर कुछ ऐसा लगेगा, बहुत अच्छे अच्छे थीम्स हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। ये देखिए बहुत यूज़ करने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे, तो प्रैक्टिकल भी है सारी चीज़ें, ऐसे ही नहीं कुछ भी फालतू सा है। तो अब आपको थर्ड पार्टी ऐप्स पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, एआई आपके कीबोर्ड में आ गया, आप इसको प्रोफेशनली बहुत अच्छे लेवल से यूज़ करिए, आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं इससे। तो एआई को एकदम बदनाम करना या उससे दूर भागने के से किसी का फ़ायदा नहीं है, इससे आप जितना फ़ायदा उठा सकते हो वो आप सोचो। तो चलते हैं वापस से अपनी स्क्रीन में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ओपन एआई की तरफ से की स्विफ्ट ऐप के बारे में। इसके बारे में हमने मैक्सिमम सारी चीज़ें जान ली है। मैं एक हफ्ते मैंने इसको चलाया है, इस पर वर्कआउट किया है, पूरा इसे यूज़ करके देखा है, तब ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मिनिमम मैं 1 वीक किसी भी चीज़ को लॉन्च होने के बाद मैं 1 वीक का वेट करता हूँ, क्योंकि कई बार उसमें चेंजेस होते हैं, जल्दबाजी में लोग डाल देते हैं, या उसमें ऐसा तो नहीं है कोई फीचर छूट गया जो मैं आपको ना बता पाऊँ यूज़फुल फीचर हो, इसलिए मैं 1 वीक का टाइम लेता हूँ, उसको पूरा चेक करके देख के यूज़ करके तब आपको दिखाता बताता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और नॉलेज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।